एवरीवन, तो आज ये एक पैंट्री से मेरा सेकंड ऑर्डर आया है। तो लास्ट टाइम मैं तो अनबॉक्स किया था, आज फिर से कुछ ग्रोसरी आइटम मैं अमेजन पैंट्री से मंगाया है। तो उसको खोल के देखते हैं क्या क्या आया है और कैसे वो लोग पैकेज करके अच्छे से आया कि नहीं, थोड़ा देखते हैं। मैं पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ। पार्सल तो अच्छे से पैकिंग हुआ है और देखते हैं सारे सामान ठीक ठाक आया है कि नहीं, कि कुछ टूट फूट गया है। सील था उसको अच्छे से कट गया। अभी देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन सा चीज़ ऑर्डर किए थे और कैसे वो लोग पार्सल करके दिया है। इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड दे दिए हैं जो कि थोड़ा सॉफ्ट एब्जॉर्ब करेगा और मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा जो भी सामान होगा अंदर। तो ये क्या है, नरम नरम लग रहा है। अच्छा, ये ऑयल है, ये ऑयल है फॉर्च्यून का, ये राइस ब्रान ऑयल है। एंड लास्ट टाइम जैसे देखा था फॉर्च्यून, ये अदानी विलमार का है, अदानी विलमार कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है फॉर्च्यून, और ये राइस ब्रान ऑयल है। तो इसका प्राइस 175 है, आई थिंक 150 और 160 पे ये मुझे मिला। आप लोग चेक कर सकते हैं क्या रिसेंट प्राइस है। उसके बाद और भी एक ऑयल मंगाया मैंने, इसका बॉटल मंगाया था लास्ट टाइम मैंने, जो फॉर्च्यून का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल है इसका मैं बॉटल मंगाया था। अभी इसका पाउच मंगाया, इसका पैकेट का जो प्राइस है वो 230 रुपीज़ है और ये मुझे 170 पे मिला, 169 और 170 पे मिला। अभी देखते हैं और क्या क्या सामान ये लोग दिए हैं। और हम लोग ये, मैं एक जो कार्डबोर्ड है इसको एक अच्छा सा मतलब एक DIY बनाया है, वो आप देख सकते हैं इधर कितना अच्छे से भगवान रखने के लिए मैं बनाया। तो ये बॉक्स भी काम में आ जाएगा, इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर चार्ट पेपर कवर करके इसको टेबल जैसा बनाएंगे। उसके बाद ये एक आया है एक्जो का, जो डिश वॉश के लिए ये यूज होता है एक्जो का, और ये 500 ग्राम है। इसका करीबन 46 रुपीज़ इसका लिया था, MRP है 49 रुपीज़। तो ये 500 ग्राम की है और ये कौन सा कंपनी है, ये है आपका मैन्युफैक्चर्ड मार्केटेड बाय ज्योतिलाब। आप लोगों को पता है ज्योतिलाब कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है अभी, उसका जो उजाला का मतलब मैं इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। अभी ज्योतिलाब नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में 4 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड भी दे रहा है, उसका डिविडेंड आ रहा है। तो ये एक भेदा का कंपनी का एक है जो कि अमेजन में काफ़ी पॉपुलर, ये बेस्ट सेलर रेंज में है। ये मूंग डाल है, 1 kg का मूंग डाल, करीबन 145 में ये मुझे मिला और इसका जो MRP है 160 रुपीज़ है। उसके साथ साथ ये टमाटो केचप पैक है जो कि डाबर कंपनी का है, डाबर तो आजकल बहुत कुछ बना रहा है, ये डाबर कंपनी का है टमाटो केचप, और ये इसका MRP 25 है, मुझे 23 पे मिला। और ये 200 ग्राम, ये 200 ग्राम का है। उसके बाद और क्या आया है इसमें, क्योंकि आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था
कि अमेजन का जो मिनिमम ऑर्डर आपको 800 रुपया करना होगा पेंट्री का, नहीं तो आपका मतलब फ्री डिलीवरी नहीं होगा। और ये 75 रुपीज़ का आपका, ये भी भेदका कंपनी का है हल्दी पाउडर, और ये हल्दी पाउडर आपका 200 ग्राम की हल्दी पाउडर है, तो इसका प्राइस है 75, ये 50 आप ऐसे कुछ प्राइस में मिला। उसके बाद जीरा पाउडर, लास्ट टाइम पे एक ऑर्डर किए थे, बहुत जीरा यूज करते हैं हम, तो इसीलिए अभी भी फिर से एक जीरा पाउडर ऑर्डर किए इस पेंट्री पे भी। 52 रुपीज़ है, अभी 41 रुपीज़ लिया, केच कंपनी का है, 100 ग्राम के जीरा पाउडर है। और फाइनली ये जो राइस है, ये देखते हैं कैसे आया, ये 225 5 केजी दाऊद देबाया कंपनी का है, एवरीडे राइस, ये अमेजन का बेस्ट सेलर रेंज में था। राइस थोड़ा टूटा हुआ राइस है, पर छोटा छोटा राइस है और बहुत पतला सा राइस है, अच्छा राइस, जैसे मतलब खाने के बाद पता चलेगा अच्छा ही तो दिख रहा है। और इसका जो MRP है 465 है इसका MRP, जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये 225 पे अमेजन पे सेल हो रहा है। ये शॉपिंग मॉल में मुझे नहीं लग रहा इतना कम पे मिलता है। तो ये था आज का सारे अमेजन जो पेंट्री में ऑर्डर किया था वो इस प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ साथ मैं एक त्रिफला पाउडर ऑर्डर दिया था, ये पेंट्री पे नहीं आया, ये अमेजन प्राइम पे ही था, तो इसको सेपरेट में ऑर्डर किया था जो आज ही आके पहुँचा। और ये त्रिफला चूर्ण, ये भी डाबर कंपनी का है, तो आपको सोचना चाहिए कि डाबर कंपनी का शेयर क्यों बढ़ रहा है और वो क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सारे सेक्टर में अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स बना के रखा है, ये काफ़ी स्ट्रांग डब्बा भी दिया है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है। 164 है इसका MRP और मुझे अमेजन में 123 ऐसे कुछ प्राइस में मुझे मिला। 500 ग्राम की त्रिफला चूर्ण है, पेट ख़राब होने से कभी कभी इसको यूज करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ एंटासिड्स, तो वो पैन भट्टी ये सब नहीं खा के ये काफ़ी अच्छा काम करता है, तो इसको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के हिसाब से यूज करते हैं। तो आज ये पेंट्री में इतना सब कुछ हम लोग ऑर्डर किए थे, और ये कोई सजेशन नहीं, एडवर्टाइज़ नहीं कि आप पेंट्री पे ही खरीदो और पेंट्री से ही खरीदो अमेजन पेंट्री से। तो ये ऑर्डर किए थे कुछ प्रोडक्ट्स का, मैं कंपनी का रिव्यू करना था मुझे, क्योंकि कौन कौन सा प्रोडक्ट कंपनी हम लोग यूज करते हैं, और आप लोगों को थोड़ा दिखाना था कैसे पार्सल होके कैसे अमेजन सेफली कस्टमर के पास पहुंचा रहा है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में और एक अनबॉक्सिंग और कुछ टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।